जिसने भी शहीद सौरभ कटारा की कहानी सुनी उसकी आंखें नम हो गई। मातृभूमि के एक लाल ने देश की सेवा करते करते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ये देश के उस सपूत की कहानी है जो भारत माँ के लिए अपना सब कुछ छोड़कर चला गया। भीड़ के बीच में मौजूद लाल स्वेटर पहने इस महिला को देखिए। आज से ठीक 17 दिन पहले ये दुल्हन बनी थी। 8 दिसंबर को सौरभ की शादी हुई थी। 17 दिन पहले सौरभ कटारा ने मांग में सिंदूर भरा था, लेकिन 17 दिन के भीतर इसकी दुनिया लुट गई है। सौरभ कटारा की शहादत की खबर जब भरतपुर के बरौली गांव में पहुंची तो लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। हर किसी की आंख में आंसू थे, हर किसी के दिल में सौरभ की शहादत के लिए सम्मान था। तिरंगे में लिपटा सौरभ का शव जब अंतिम संस्कार के लिए रवाना हुआ तो हजारों की भीड़ पीछे पीछे चल पड़ी। कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह समेत कई राजनेता और अधिकारी शहीद सौरभ कटारा को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे। सौरभ कटारा के बुजुर्ग माता पिता ने अपने बेटे की अर्थी को कांधा दिया। सौरभ 16 दिसंबर को ही छुट्टी के बाद ड्यूटी पर लौटा था। सुनिए सौरभ के पिता नरेश कटारा को, जिन्हें पहले अपने बेटे के सिर्फ घायल होने की खबर मिली थी। जहाँ पर ये काम नौकरी करता था उन लोगों ने सूचना दी कि आपके बेटा का इंसिडेंट हो गया है और गाड़ी बम्बारमेंट से ऐसा हो गया और वो झुलस गया है। अभी तक उसकी सांसें चल रही, जिंदा है, खतरे से बाहर है। तो मैंने अपने आप में धैर्य मान करके मैं ठीक है खतरे से बाहर है। तो फिर थोड़ी देर बाद में, एक घंटे के बाद में, उनके रेजिमेंट के जो हेड क्लर्क होते हैं उन्होंने फोन किया कि तुम्हारा बेटा शहीद हो चुका है। लेकिन जब सौरभ की शहादत की खबर आई तो भी पिता ने हौसला नहीं हारा और देश को संदेश दिया कि शहादत तो गर्व की बात है। शहीद किया देश के लिए, शहीद हुआ है, उसमें कोई बात नहीं। आपने भी कारगिल में भाग लिया था? मैंने कारगिल की लड़ाई लड़ी थी, कई बम्बारमेंट मेरे ऊपर भी हुए थे, लेकिन उस टाइम पे मैंने भी धैर्य से काम लिया। बच्चे को भी ऐसे दिल में ऐसा कुछ नहीं था, बोले पापा जी इसमें कोई डरने की उसकी जरूरत नहीं है, जो कुछ होना है वो तो किस्मत में लिखा है वो हो ही जाएगा, बाकी आपको घबराहट की किसी की जरूरत नहीं है, ऐसे ही कहता था। सौरभ का पार्थिव शरीर जब शमशान घाट पहुंचा तो चारों तरफ हजारों लोगों की भीड़ मौजूद थी। शहीद सौरभ की पत्नी भी अपने पति को अंतिम विदाई देने आई थी। पूरे राजकीय सम्मान के साथ शव का अंतिम संस्कार किया गया। इसके बाद सबसे मुश्किल वक्त की बारी थी। शहीद सौरभ कटारा के शव को मुखाग्नि दी जानी थी। पत्नी चिता के सामने मौजूद थी, उसके हाथ में फूल थे जो उसे पति की अर्थी पर चढ़ाने थे। ये लाइनें लिखते वक्त हाथ कांप रहे थे। कल्पना कीजिए, जो 17 दिन पहले दुल्हन बनी थी, जिसकी हाथों की मेहंदी भी अभी पूरी तरह से उतरी नहीं थी, उसे अपने पति की अर्थी पर फूल चढ़ाने पड़ रहे हैं। ले जा।
ये तस्वीरें बताती हैं कि हमारे देश के जवान हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी देते हैं और कितनी बड़ी कीमत चुकाते हैं शहीदों के परिवार। शहीद का बड़ा भाई गौरव खेती करता है और छोटा भाई अनूप मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है।